सब जरूरी है गिटार। हाँ पढ़िए। आपने कहा था ना मैं हुसैनी हूँ, देखिए। मैं कहा और कहा मिधते सर्वज मौला। सुनिए सुनिए, बस तमन्ना है कि महशर में शफाअत मिल जाए। सुनिए, अभी ये कुछ बन हमारे छूट जाएंगे, लेकिन ये यकीन जानिए कि जैसे वहां पे करबला में जो है बैत का जो है सवाल था, आज भी वही लोग आज भी ये कहते हैं कि तमाम सहाबा ने बैत की तो कहे नहीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत की। ठीक है, मैं उसको पलट देता हूँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत नहीं की तो तमाम सहाबा ने कहे कर ली। सुनिए सुनिए, और अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुदा न खास्ता बैत कर लेते या मान लेते, साइलेंटली मान लेते, तो सुनिए क्या होता। न जमीन होती न आसमा होता, न ताबनाकी शम्स और कमर में नूर होता, न गुलों में महक न सब्जे शादाब होता, न दरिया में रवानी न समंदर में तलातुम होता, किसी भी नूर का बाकी न एक निशा होता। अगर यजीद की बैत हुसैन कर लेते, किसी भी चीज का बाकी न एक निशा होता। सुन लीजिए सर, खुदा की कसम कुछ न बाकी होता। हाँ सुनिए, उन्हीं यजीदियों और लैंगियों और बनी मिल्ला के मानने वालों के लिए मैं कोई शायर नहीं हूँ, लेकिन जब मैं मुझे हिदायत मिलती है तो मेरा कलम चलता है। सुन लीजिए, और अब से लेकर जब तक मैं जिंदा रहूंगा, उन्हीं बनी उमैया वालों के किरदार को मैं उधेड़ दूंगा अपने कलम से। सुनिए, मोहम्मद को कहा माना कहा जाना तुमने, इनका तो एक भी कहना न माना तुमने। कहते रहे या मोहम्मद, पता नहीं कहा कहते, बस में बैठे रहे मुनके रहते। कहते हो हम है कलमा गो भाईमान, है ना, आप पूरी दुनिया में चर्चा करते हैं, आप जैसे कलमा गो भाईमान है देख रही है पूरी दुनिया वहाँ फिलिस्तीन में कि आप कितने बड़े कलमा गो, कितने बड़े भाईमान। मिधते मौला को कहते हैं हम है कलमा गो भाईमान, मिधते मौला को बिदत ही जाना तुमने। उन लोगों ने खाली मौला की मिधत को बिदत जाना है। भाग गए शो के मैदान में मोहम्मद को, पहाड़ी से उसक उसक के देख रहे हैं कि बसे कि ना रसूलुल्लाह। भाग गए शो के मैदान में मोहम्मद को, इबलीस की निदा को ही सही जाना तुमने। इबलीस ने कह दिया मोहम्मद माने गए, आपने जो है उसको सही मान लिया। मन कुन तो मौला फहादा अलीउन मौला, रसूलुल्लाह ने यही तो कहा था कभी रखू मैं, किया जबान से इकरार न माना तुमने। आपने जबान से तो इकरार वहां किया और कहा माना। गदीर खुम से क्यों शोर सीलत जाती है, हम गदीर का नाम लेते हैं तो आपके कलेजे पे शोर लग जाती है। बस सकीफा को ही सही जाना तुमने। आगे से सुनिए, अम्र को देख तेरे होश फाख्ता क्यों हुए, सारे लोगों के होश फाख्ता हो गए थे अम्र बिन अब्दुल जवाया। पास हैदर से ये न जाना तुमने, वहां पास हैदर से तुम्हारे मुंह पे एक तमाचा है फिलक। फिलक जो है ये तमाम लाइनों के मुंह पे तमाचा है मुंतर। कसब की लानत को ही सही जाना तुम। एक नारे सलवात पढ़ लीजिए।
गोदाम है देखो।